एजेंडा सीएम स्पेशल आज सुबह से ही लगातार राज्य स्तर पर आप देख रहे हैं। यह सिलसिला आगे बढ़ चुका है और अब एक ऐसे राज्य में हम आपको लेकर चलते हैं जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि सिर्फ संसाधनों के जरिए ही युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए और इसी वजह से जिस राज्य के मुख्यमंत्री का तारुफ आपसे करवाने जा रही हूं, दरअसल उस राज्य में गिने चुने ही कोरोना मरीजों की तादाद अब रह गई है। लेकिन मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत यह है कि उनके एक जिले को भी रेड जोन में क्यों रखा गया है। स्वागत करती हूं मैं इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। जी नमस्कार। सवाल आपसे यही है, किस तरह से आपने अपने कदम आगे बढ़ाए जिसके बाद अब गिनतियों की तादाद कोरोना मरीजों की रह गई है छत्तीसगढ़ में, और क्या सीख ली है आपने बीते कुछ दिनों में? देखिए, छत्तीसगढ़ में केवल 43 ही इसकी संख्या थी जिसमें से 36 लोग अपने घर जा चुके हैं, 7 मरीज हैं। लेकिन हमने शुरुआती दौर पे ही अपनी सीमाओं को, राज्य की सीमाओं को हमने सील कर दिया था, जिले को सील कर दिया और गांव वाले स्वयं अपने गांव को सील कर दिए। और सरकार के तरफ से जितने भी जहां लोग एकत्रित होते हैं, हमने भारत सरकार के फैसले से पहले ही, चाहे मॉल हो, थिएटर हो, चाहे सब्जी बाजार हो, सबको हमने बंद करवा दिया था। स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, ये सब बंद करवा दिए। इसके कारण से फैलने में फैल नहीं पाया। दूसरी बात यह है कि ये जो बीमारी है विदेश से आया हुआ है और इसलिए जितने भी विदेश यात्रा करके आए 1 मार्च से, उन सबकी लिस्टिंग की और सबको होम आइसोलेशन में रखा और प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उसके पर नजर रखे। घर वाले भी सहयोग दिए, जो वापस लौटे थे उन्होंने भी सहयोग किया। इस प्रकार से यहाँ हम जल्दी पकड़ भी पाए, प्रारंभिक तौर पे पकड़े और उसके बाद उसके इलाज भी तत्काल हमने शुरू कर दिया। इसका लाभ हम लोगों को मिला है और इसमें जो सामाजिक संगठन है, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं विभिन्न विभागों के, उन्होंने तत्परता से काम किया और किसी प्रकार के भगदड़ इसलिए नहीं हुआ कि बंद के बाद जो स्थिति है उसको संभालने में हमारे लोगों ने बड़ी तत्परता दिखाई, जिसमें चाहे वो राशन की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, चाहे वो पेट्रोल पंप खुलने की बात हो, चाहे दवाई दुकान खुलने की बात हो, वो सब चीजें हम लोगों ने आसानी से सबको मुहैया कराया और इस कारण से हमारे प्रदेश में कोई भगदड़ नहीं मचा। उद्योगपतियों से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि जो मजदूर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उद्योग बंद होने की स्थिति में उन लोगों को अपने ही परिसर में रख के भोजन पानी की व्यवस्था करें, ताकि वो लोग अपने घर जाने के लिए जिद न करें, सड़कों पर ना आए। और ये इसका लाभ हुआ कि हमारे जितने उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, सब लोगों ने अपने कर्मचारियों को अपने यहाँ रखा, उसका लाभ हम लोगों को जबरदस्त मिला है। तो इस प्रकार से कंट्रोल करने में काफी सफलता मिली। सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और यकीनन जो कदम छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, आपकी ओर से उठाए गए हैं, दूसरे राज्य भी अगर उनसे सीख लेते हैं तो वो भी अपने राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद कम कर सकते हैं। क्योंकि 6 दूसरे राज्यों से जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो सटती है, वो मिलती है, और उसमें महत्वपूर्ण है तेलंगाना और महाराष्ट्र, जहां पर बढ़ते मरीजों की संख्या वहां की राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लेकिन वहां पर आपने जिस तरह की शक्ति दिखाई, उससे अपने राज्य के लोगों के लिए आपने बेहतर स्थिति पैदा कर दी। और जो आपकी बड़ी कामयाबी रही है वो भी आज तक लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है कि लॉकडाउन में कैसे रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीद आपने की है। हालांकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा भी जाता है। मजदूरों की घर वापसी को लेकर भी आपकी ओर से कवायद किए गए, अपने कदम आगे उठाए गए। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, रायपुर रेड जोन में है, कोरबा ऑरेंज जोन में है और बाकी आपके जिले ग्रीन जोन में है। लेकिन रेड जोन रायपुर को लेकर भी आपने स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की और आपने कहा कि आप इसे रेड जोन से हटाइए, यहाँ के मामले कम हो चुके हैं, सिर्फ एक ही मामला बाकी रह गया है। इसको लेकर क्या बातचीत हुई है और आप ऐसा क्यों चाहते हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, रायपुर में सबसे पहला मरीज उनको यही मिला जी, और 4 ही मरीज थे। 18 मार्च को पहला मरीज मिला और 25 तारीख को 3 और मिले। अब 25 मार्च के बाद से रायपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, उसके बाद भी रेड जोन में रखा गया है। ये आश्चर्य का विषय है और इसलिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री से और यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से भी मैंने बात की कि इसको रेड जोन में रखा जाना उचित नहीं है, क्योंकि रायपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। जो मिला है वो हॉस्पिटल में ही है
जो वहाँ काम कर रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल है, उसी के वर्कर को पॉजिटिव मिला जो वहाँ काम करते हुए उनको हो गया था। तो इसके कारण से रायपुर को रेड जोन में रखा जाना न्यायोचित नहीं है। इसको भी चूंकि 25 मई का आखिरी केस मिला था, उसके बाद कोई केस नहीं मिला है, इसलिए इसको ग्रीन जोन में रखा जाना चाहिए। आपको क्या आश्वासन मिला केंद्र की ओर से? उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में हम लोग देख लेते हैं और रिपोर्ट देखने के बाद 2-3 दिन में, 3-4 दिन में इसको जिस जोन के हकदार हैं उसमें रखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि रायपुर को ग्रीन जोन में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी, आपने बॉर्डर एरिया को कैसे संभाला, वहां पर लोगों की आवाजाही को कैसे रोका, जरा इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये दूसरे राज्यों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहां पर आपके कड़े और बड़े फैसलों ने दूसरे से आवाजाही करने वाले लोगों को पहले ही ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद कम से कम आपके राज्य में जितने भी लोग थे वो सुरक्षित रहे। देखिए, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सभी 7 राज्यों से घिरा हुआ है और सभी जगह हम लोगों ने किसी भी न जाने दिया न आने दिया। जो यहाँ के मजदूर थे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था हमने कर दी। 26,000 इंडस्ट्रियल लेबर थे के रखने की व्यवस्था कर दी। जो लोग बाहर से आए, जो ट्रक लेके आए थे या किसी कारण से यहाँ आए थे, ऐसे 10,000 लोगों को के लिए भी हमने शेल्टर की व्यवस्था की, आश्रय की व्यवस्था की, उसमें रखने काम किया। लेकिन सीमा में जो लोग आ रहे थे उसको भी क्वारंटाइन में हमने रखा और उसको आने जाने नहीं दिया, और जो भी आए उसे कड़ाई से पालन हम लोगों ने किया है। इस कारण से सबसे पहला काम तो हमने यही किया कि चूंकि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज्यादा फैल रहा है, हम उन सीमाओं को सबसे पहले सील कर दिया, किसी भी आने जाने नहीं दिया और कड़ाई से किया। हमारे अधिकारियों ने इससे बेहतर इस कार्य को अंजाम दिया है, तो इस कारण से हमको सफलता मिली, क्योंकि मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से हमारी सीमाएं बहुत लंबा लगता है और यहाँ लोग ज्यादा संख्या में आते हैं। इस कारण से जो भी आए हमने उसको वापस कर दिया और अभी भी हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुला हुआ है, मजदूरों के और लोगों को आने जाने के सुविधा भारत सरकार ने छूट दी है, तो अभी तक के तो हम केवल 43 तक के आंकड़े को सीमित करने में सफलता मिली और केवल 7 मरीज हमारे पास है। लेकिन ये जब सीमा खोल दिए हैं, लोग आ जा रहे हैं पास लेके और हॉट स्पॉट से यदि लोग आएंगे तो निश्चित रूप से ये स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बॉम्बे से, इंदौर से, भोपाल से लोग यहाँ आना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में पुणे से भी आना चाहते हैं, दिल्ली से आना चाहते हैं, तो ये जो लोग आएंगे और यदि वो कोरोना कैरियर हो गया तो हमारे लिए स्थिति आगे एक संकटपूर्ण होगी और इसको देखना होगा। तो इसके मद्देनजर आप क्या चाहते हैं, केंद्र सरकार तक अपनी बात अगर आपको पहुंचानी है तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मान लीजिए धीरे धीरे करके लॉकडाउन में कुछ छूट नहीं दी जाएगी तो आर्थिक मोर्चे पर स्थिति तो डगमगा सकती है, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया? जी, भारत सरकार ने ही जो लॉकडाउन, जो रेड जोन वाले जो एरिया है वहां से आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही जो गाइडलाइन तय किया है उसमें रेड जोन के लोगों को आवाजाही से रोक लगाए हैं। लेकिन फिर भी कई लोग अपने पहुंच लगा के कलेक्टर से या डीएम से या एसडीएम या तहसीलदार से लोग पास बना के ला रहे हैं, उसको भी हम हतोत्साहित करेंगे, अपनी सीमा में नहीं आने देंगे। जो खासकर रेड जोन के जिले के लोग हैं उसको हम लोग नहीं आने देंगे, ऐसा हमने फैसला किया है। मतलब आपने ये बड़ा फैसला किया है कि देश के किसी भी हिस्से के रेड जोन के लोग अगर आना चाहेंगे, चाहे वो कोरोना पीड़ित हो, नहीं हो, कैसे भी हो, उनको बिल्कुल भी एंट्री छत्तीसगढ़ के भीतर नहीं मिलेगी, आपकी बातों से मैंने ये समझा। ठीक है भूपेश जी, एक और सवाल है, मनरेगा मजदूरों के मामले में केंद्र सरकार ने भी आपकी तारीफ की है, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आपने उन लोगों से कामकाज कराना शुरू किया ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, इसको लेकर फॉर्मूला कैसे तय किया गया आपकी ओर से, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, मनरेगा हमने कभी बंद नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने PIL भी लगाया कि इससे जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, हमने छत्तीसगढ़ में कहा फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, तो ये इन लोगों ने कहा कि ये डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा अनुभव, मैं ग्रामीण प्रदेश से आता हूँ, मुझे मालूम है कि जो लोग मिट्टी खुदाई करते हैं वो समूह में नहीं करते,
वो वैसे भी दूर दूर रहते हैं, पति पत्नी एक जोड़ा जो रहेंगे वो एक जगह रहेंगे, बचत लोग सब अलग अलग रहते हैं, तो इसमें इस प्रकार से कोई समस्या नहीं। इस कारण से छत्तीसगढ़ में हमें मनरेगा कभी बंद नहीं किया। ये बात अलग है कि ये लॉकडाउन के चलते गांव के बहुत सारे गांव के लोगों ने इसे खुद ही रोक लगा कर रखा था, लेकिन जब स्थिति सामान्य होती दिखी तो बड़ी संख्या में लोग मनरेगा में काम करने के लिए निकले। और आज आज के तारीख में कल के तारीख में 19,85,000 लोग काम में आए थे, आज 19,15,000 लोग काम कर रहे हैं। तो पूरे देश में सर्वाधिक मजदूर हमारे यहाँ मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। और यकीनन इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में मजदूरों की क्या हालत है देश के अलग अलग राज्यों में वो चिंता की स्थिति हिंदुस्तान के लिए पैदा करती है। और आपके राज्य से सीख भी लिया जा सकता है कि अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो यकीनन काम करने के दौरान भी बहुत सारे नियम कायदे कानून ऐसे अपनाए जा सकते हैं जिनके जरिए हम मजदूरों से काम दे सकते हैं। सभी मजदूरों को लगातार पैसे भी दिए जा रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और सभी लोगों के भुगतान के लिए बराबर पैसा है, और उसको हम लोगों ने सभी जिलों में भेज रखा है, तो पैसे की कभी कमी आने नहीं जाएगी। बल्कि हमारे क्षेत्र में 44% जंगल है, अभी लघु वनोपज निकल रहा है, महुआ है, इमली है, तेंदुपत्ता है, इसमें भी हमने समर्थन मूल्य में भारत सरकार ने जो तय किया था महुआ में 17 रुपया, हमने बढ़ा के 30 रुपये में खरीदा। और स्व सहायता समूह जो हमारे महिलाओं की स्व सहायता समूह है, चूंकि दुकानें बंद थी लॉकडाउन के चलते, महुआ को कोई खरीददार नहीं था, तो हमने तत्काल फैसला लिया और स्व सहायता समूह के माध्यम से उसे हम लोगों ने खरीदी ही नहीं किया, बल्कि उनकी जो आवश्यकता थी, मान आलू प्याज और दूसरे प्रकार की जो चीजें चाह रहे थे उनको हमने उनको उपलब्ध भी कराया। तो इस प्रकार से महुआ है, इमली है, तेंदुपत्ता 4,000 प्रतिमाना गोरखगढ़ से छत्तीसगढ़ में खरीदी की व्यवस्था की गई, जो देश में सर्वाधिक है। तो वनांचल में भी जो लघु वनोपज है उसमें आज तक की कभी कीमत नहीं मिला था, उतना कीमत हम लोग दे रहे हैं। साथ ही लॉकडाउन का भी उन लोगों ने बहुत अच्छा से पालन किया है, लघु वनोपज की कीमत भी मिल रहा है, मनरेगा का भी लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से ग्रामीण अंचल में हमारे आर्थिक गतिविधि है वो पूरी ताकत पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रहा है। सर इसी के साथ एक सवाल भी मन में आता है, अगर मजदूरों को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत छत्तीसगढ़ में नहीं है, वहां पर कामकाज भी सुचारू रूप से चल रहा है, उनके रहने खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है, तो फिर आपको मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की मांग क्यों की गई? हालांकि अब उसके लिए परमिशन भी मिल चुकी है, लेकिन भूपेश बघेल को क्यों कहना पड़ा कि रेलगाड़ी दी जाए ताकि मजदूर अपने अपने घरों को वापस लौट पाए? देखिए, बेहतर रोजी के लिए लोग जाते हैं, चाहे वो यहाँ से छत्तीसगढ़ से करीब 2.25 लाख मजदूर दूसरे प्रदेशों में गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सब राज्यों में हमारे लोग यहाँ गए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोग जाएंगे ही, तो वो गए हुए हैं, और उसके आने के लिए हमने ये मांग की थी कि गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मेरी बात हुई थी कि मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, ताकि क्योंकि वो बस से लाने की बात कही, तो बस से जैसे कोटा से हमने छात्रों को लाया, लेकिन हमको 2 दिन लगा, 2 दिन यहाँ से बस भेजने में लगा और 2 दिन आने में लगा। अब उसके बाद यदि हम इसी बड़ी कठिनाई हुई इसमें उनके रहने के लिए, भोजन के लिए, तो ये व्यवस्था हमको रास्ते में करना पड़ा, तो ये बड़ा कठिन काम है। अब हमारे जो मजदूर यदि यूपी, बिहार या फिर पंजाब या जम्मू में है, उनको ये दिलाएंगे तो 2-2, 3-3 दिन लगेगा, फिर रोड में एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, फिर लोग कहाँ उतरेंगे, कहाँ संक्रमित हो जाएंगे, इसकी भी संभावना बनी रहती है। तो इसलिए मैंने गृह मंत्री जी से यही कहा था कि ट्रेन चलाई जाए, लेकिन अभी जो सर्कुलर आया है उसमें ट्रेन की अनुमति तो दी है, लेकिन ये जो एक तो ये संक्रमण काल भी है, दूसरा ये आपात स्थिति है, और ऐसे में भारत सरकार ने कहा है कि जो रेल के जो किराया है उसको राज्य को वहन करना पड़ेगा, ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। अभी तक के बस वगैरह लगाना है ठीक है, अपने राज्य में कर रहे हैं, हम लोग भोजन करा रहे हैं, अपने इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन इसे ट्रेन
फेम यदि भारत सरकार की है और मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकारों से पैसा वसूल करे, ये तो हास्यास्पद है। मैं समझता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और साथ ही मैं पत्र भी लिख रहा हूँ कि ये जो राशि राज्यों से वसूल की जा रही है वो गलत है, केंद्र सरकार इसमें सहायता दे। और मजदूर तो आखिर भारत के ही हैं, क्या वो किसी राज्य के रहने वाले हैं? क्या भारत सरकार इसको वहन नहीं कर सकती? ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि राज्यों से ट्रेन चलाने का पैसा नहीं लिया जाए बल्कि केंद्र सरकार ये वहन करे, क्योंकि उसी के अंदर में आता है। आपने केंद्र सरकार से पैसे की भी मांग की है, क्योंकि इस वक्त अर्थव्यवस्था हर एक राज्य की डामाडोल है, कामकाज ठप पड़े हुए हैं, इस वजह से कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा है। तो इसके जरिए आपने क्या खत लिखा है कि आपके राज्यों को पैसे मुहैया किए जाए ताकि राज्य का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ पाए? जी हाँ, बड़े उद्योग बंद हैं, मध्यम श्रेणी के, लघु श्रेणी के जितने उद्योग हैं वो बंद हो गए हैं, रेवेन्यू बिल्कुल जीरो हो गया है और वहाँ जो कर्मचारी हैं उनके भी रोजगार छीनी गई है, जो उद्योग चला रहे हैं उनको भी बहुत घाटा लगा क्योंकि लोग कर्ज लेके फैक्ट्री चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य के विकास के लिए भी और साथ ही औद्योगिक सहायता के लिए मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा 30,000 करोड़ दिया जाए और 10,000 करोड़ तो तत्काल रिलीज किया जाए, ये मैंने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। 30,000 करोड़ रुपए आप मांग रहे हैं जिसमें तत्काल 10,000 करोड़ रुपए आपको दे दिए जाए, ये आपकी डिमांड है। आश्वासन क्या मिला? अभी तक के तो मिला नहीं है, लेकिन ये है कि जो हम लोग मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फैसला होता ही है। जैसे ट्रेन चलाने की मांग हमने कही वो मान लिया गया, जैसे हमने कहा कि यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए, हमने प्रत्येक छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में हम एक ही प्रकार की व्यवस्था किए थे, उसका फायदा हमको छत्तीसगढ़ को मिला, उसी प्रकार के देश भर में एक प्रकार की व्यवस्था हो, तो ये मांग हमने की थी। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें ये बात मैंने कही थी, तो इस बात को आखिर स्वीकार कर ले, भले पत्र लिखे ना लिखे लेकिन तो फायदा तो देश के लोगों को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में जो जो नुकसान हो रहा है तो उसके भरपाई करने की व्यवस्था किया जाना चाहिए, पैकेज मिलना चाहिए, इसके लिए मैंने पत्र लिखा है। हो सकता है कि मेरे पत्र का जवाब न दे भारत सरकार, लेकिन उद्योगों को यदि लाभ मिल जाता है तो मेरे संतोष का विषय है। आप चलते चलते सबसे महत्वपूर्ण सवाल टेस्टिंग किट को लेकर खड़े हो रहे थे, आपकी राज्य सरकार ने, भूपेश बघेल जी, आपने 75,000 टेस्ट किट खुद राज्य के जरिए खरीदा है, केंद्र से इस बारे में कोई मदद नहीं मांगी है, वो भी तब जब चीन से मंगाए गए रैपिड टेस्टिंग किट फेल हो गए, और इसके जरिए आप अपने राज्य में टेस्टिंग को ज्यादा प्रबल तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों किया गया आपकी ओर से, और ये टेस्टिंग किट आपने मानेसर से मंगाए हैं? देखिए, एक तो ये है कि यदि रैपिड किट मंगा के टेस्ट करेंगे तो उसकी जानकारी हो जाती है, एक प्रकार से स्क्रीनिंग हो जाती है कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, एक संभावना उसको जानकारी मिल जाती है। तो और इसके टेस्ट के लिए हमेशा हमको एम्स आना पड़ता है या दूसरे राज्य, तो दिल्ली भेज रहे हैं टेस्ट के लिए कि टेस्ट के समय सीमा समाप्त होने के बाद उसको रिजल्ट तो वैसे खराब आना है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे हमारे यहाँ ये लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जो दूसरे प्रदेश से लोग आएंगे और संख्या बढ़ेगी तो ऐसे में टेस्ट करने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो रैपिड टेस्ट के लिए हमने ये व्यवस्था की है, बल्कि और लाने के लिए मैंने आदेश किया है, क्योंकि यदि 2.25 लाख मजदूर आएंगे, बहुत सारे जो बाहर में लोग गए हैं यात्रा करने, पढ़ने और रिश्तेदारी में जो गए हैं वो लोग वापस आएंगे तो उनको टेस्ट उनका टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन भारत सरकार के पास जो किट है वो सीमित है, तो ऐसे में कुछ व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से होना चाहिए। और यकीनन ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको बखूबी निभा भी रहे हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल जी आज तक से जुड़ने के लिए, ई एजेंडा सीएम स्पेशल कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। यकीनन छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है, इसी वजह से आप केंद्र सरकार की ओर से भी उसे तमाम तारीफें मिल रही हैं, और यकीनन दूसरे राज्यों की ओर से भी सीख ली जा रही है कि आखिर हम कैसे अपने कदम आगे बढ़ाएं जिससे हमारे प्रदेश की स्थिति बेहतर हो पाए। बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी आज तक से जुड़ने के लिए।